सभी भक्तजन प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की, जय विष्णु भगवान की। जय। श्री हरि को तुलसी अति प्रिय है। तुलसी माँ लक्ष्मी का ही स्वरूप है। घर में संपन्नता एवं पारिवारिक क्लेशों को दूर करने के लिए प्रातः तुलसी में नियमित रूप से शुद्ध जल चढ़ाकर शाम के समय गाय के घी का दीपक लगाना चाहिए। साथ ही तुलसी की 21 परिक्रमा करते हुए ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करने से सुख शांति बनी रहती है। पीपल में भगवान विष्णु का वास माना गया है। आर्थिक उन्नति एवं श्री विष्णु की कृपा पाने के लिए इस मास में रविवार को छोड़कर नित्य प्रति पीपल पर मीठा जल चढ़ाकर विष्णु मंत्र का जाप करते हुए उसकी परिक्रमा करें। इस बार सावन में पुरुषोत्तम मास जुड़ गया है। सावन माह में धर्म कर्म करने व शिव पूजा करने से अक्षय पुण्य मिलता है। अधिक मास में भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा से सुफल की प्राप्ति होती है। अधिक मास के स्वामी भगवान विष्णु और सावन माह के स्वामी भगवान शिव हैं। ऐसे में सावन माह में पूजन से भगवान विष्णु और शिव दोनों का ही आशीर्वाद मिलता है। इसी क्रम में आज भगवान विष्णु के स्नेहजनों को पुरुषोत्तम मास के 31वें अध्याय को सुनाने जा रहा हूँ। अतः सभी भक्तजन पाठ का पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की, विष्णु भगवान की। 31वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषिवरो, इस प्रकार पतिव्रता धर्म के वृत्तांत को सुनकर नारद मुनि कुछ पूछने की इच्छा से पुरातन मुनि से बोले। नारद जी ने कहा, हे बद्री नारायण, आपने समस्त दानों में अधिक फल देने वाला कांसे के संपुट का दान बतलाया है, सो इसके अस्पष्ट कारण को स्पष्ट रूप से मुझे बतलाइए। श्री नारायण जी बोले, हे ब्राह्मण, प्राचीन काल में एक समय की बात है कि पार्वती जी ने इस व्रत को किया था। उस समय उन्होंने महादेव जी से पूछा कि हे भगवान, इस व्रत में क्या उत्तम दान देना चाहिए जिसके देने से मेरा पुरुषोत्तम व्रत सांगो पांग पूरा हो जाए। हे दया सिंधु, आप समस्त प्राणियों के कल्याण की कामना से उस दान का मुझसे वर्णन करिए। पार्वती जी के प्रश्न को सुनकर भगवान शंभु ने भी पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करते हुए मन में इसका उत्तर विचार कर समस्त लोक का कल्याण चाहने वाली उमा से कहा। श्री महादेव जी बोले, हे अपर्णा, श्री पुरुषोत्तम मास में व्रत विधि को पूरा करने के योग्य वेद में किसी स्तर पर भी कोई दान नहीं है। हे शैलतनया, जो जो मुख्य उत्तम दान कहे गए हैं वे सब श्री कृष्ण के प्रिय पुरुषोत्तम मास में गौण हो गए हैं। इसलिए हे सुंदरी, कहीं भी ऐसा दान का विधान नहीं है जिससे श्री पुरुषोत्तम मास में करने से तुम्हारा व्रत सांगोपांग पूरा हो जाए। हे वरांगना, इस पुरुषोत्तम मास में व्रत की पूर्ति के निमित्त संपुटाकार ब्रह्मांड का दान ही योग है, उसी को देना चाहिए। वह दान कहीं भी कोई भी व्यक्ति नहीं दे सकता। इसलिए हे वरवर्णिनी, इस ब्रह्मांड के प्रतिनिधि स्वरूप कांसे का संपुट बनाकर हे प्राण प्रिया, प्रमुदित मन से उसके भीतर 30 मालपुआ रखकर उसे 7 तागे से मात कर और विधिवत पूजा करके व्रत की पूर्णता के निमित्त विद्वान ब्राह्मण को दान दे देवें। यदि आर्थिक स्थिति ठीक हो तो इस प्रकार 30 संपुटों का दान करें। इस प्रकार भगवान धूर्जटी शिव के लोक कल्याणकारक तथा सुंदर वचन को सुनकर समस्त विश्व का कल्याण चाहने वाली उमा हर्षित हो गई। हे नारद जी, पार्वती जी ने 30 कांसे के संपुट को विद्वान ब्राह्मणों को देकर और व्रत के विधान को पूरा करके बड़ी प्रसन्न हुई। सूत जी बोले, हे पिपुरवरो, इस प्रकार नारद मुनि भगवान बद्री नारायण के अमृत के समान वचन को सुनकर अत्यंत तृप्त हो गई और बारंबार नमस्कार कर फिर कहने लगे। नारद जी ने कहा, सब साधनों से उत्कृष्ट या पुरुषोत्तम मास है। आज इसका उत्तम महात्म्य सुनकर मुझे पूर्ण रूप से निश्चय हो गया। जब केवल भक्तिपूर्वक इसे सुन लेने से भारतीयों के महान पापों का नाश हो जाता है, तब जो श्रद्धापूर्वक और विधि विधान के साथ इस व्रत को करेंगे उनके बारे में क्या कहने की बात है। यही इस पर मेरी सम्मति है। अब इसके बाद मुझे और कुछ सुनने को बाकी नहीं रह जाता है, क्योंकि अमृत पीकर अत्यंत तृप्त हुए को दूसरे जलपान की आकांक्षा नहीं रह जाती। सूत जी बोले कि इतना कहकर ब्रह्मर्षि ऋषिराज नारद जी शुभ हो गई और उन्होंने पुरातन मुनि भगवान बद्री नारायण के चरण कमलों पर अपना मस्तक नवाया। जो व्यक्ति इस बाद भारतवर्ष में जन्म लेकर श्रेष्ठ श्री पुरुषोत्तम मास का न तो सेवन करते हैं और न तो कथा सुनते हैं, वे गृहस्थी के जंजाल में फंसे हुए लोग नराधम हैं। वे बार बार जन्मते हैं, मरते हैं और जन्म जन्मांतर में अभागे बने रहते हैं और पुत्र मित्र भार्या परम प्रियजनों के वियोग के दुख भोगते रहते हैं। सूत जी कहते हैं, हे द्विजवरो, इस पुरुषोत्तम मास में नास्तिकवाद के शास्त्रों का वर्णन नहीं करे। पराये की शेज पर सोए नहीं, कभी भी असत्य भाषण न करे। दूसरे की निंदा आलोचना चुगली कभी भी कहीं भी न करे। पराये के अन्न का भोजन न करे। दूसरे की क्रिया का अनुकरण न करे। नकल न उतारे। धन की कंजूसी न करे। विद्वान ब्राह्मण को दान देवे।
धनी होते हुए भी जो व्यक्ति कंजूसी करते हैं वे रौरव नरक में जाते हैं। विद्वान ब्राह्मणों को प्रति दिन उत्तम प्रकार का पदार्थ खिलाते रहे। प्रति व्यक्ति दिन के 8वें भाग में सायंकाल 4 बजे भोजन करे। वे पुरुष धन्य है, पुरुषोत्तम है जो इस लोक में विधि विधान के साथ श्रद्धा भक्ति पूर्वक प्रेम सहित नित्य पुरुषोत्तम भगवान का पूजन करते हैं। महाराज इंद्रदमन, सत्यदमन, यौवनाश्व और भगीरथ पुरुषोत्तम भगवान की आराधना करके भगवान के गोलोक धाम को चले गए। इसलिए समस्त साधनों से श्रेष्ठ सकल आर्थिक मनोरथों को पूरा करने वाले पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम भगवान का यत्न पूर्वक सेवन करना चाहिए। गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले गोपाल, गोप रूपधारी, गोकुल के उत्साह ईश्वर, गोप किशोरियों के प्रिय गोविंद भगवान को नमस्कार करता हूँ। सर्वप्रथम महर्षि कौंडिन्य ने इस मंत्र को बार बार जप करके कहा कि जो व्यक्ति भक्ति के साथ इस मंत्र को जप करते हुए श्री पुरुषोत्तम मास को व्यतीत करते हैं उन्हें पुरुषोत्तम भगवान प्राप्त होते हैं। नवीन मेघ के समान सांवले वर्ण वाले, दो भुजा वाले, मुरलीधर शोभायुक्त, पीताम्बरधारी सुंदर श्री राधिका जी के सहित पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान करें। पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान और पूजन करते हुए श्री पुरुषोत्तम मास को बितावे। इस प्रकार जो भक्ति के साथ व्रत करते हैं वे अपने समस्त अभीष्ट को प्राप्त करते हैं। हे तपस्वियों, यह गुप्त से गुप्त व्रत जैसे तैसे मनुष्य को नहीं बताना चाहिए। मैंने भी किसी के समक्ष इसे नहीं कहा है। हे विप्रवरो, अभिलाषा की पूर्ति करने वाले पवित्र इस पुराण को आदर के साथ निरंतर सुनते रहना चाहिए। केवल एक श्लोक के सुन लेने से ही मनुष्यों के सब पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनिवरु, गंगा आदि अखिल तीर्थों में स्नान करने से जो फल मिलता है वही फल पुरुषोत्तम मास महात्म्य के सुन लेने से ही मिल जाता है। पृथ्वी प्रदक्षिणा करके मनुष्य जितना पुण्य प्राप्त करते हैं उतना ही पुण्य पुरुषोत्तम मास महात्म्य के श्रवण से होता है। इसके श्रवण से ब्राह्मण ब्रह्म तेज से संपन्न, क्षत्रिय वसुधा के अधिपति, वैश्य पूंजीपति और शूद्र उच्चाधिकारी हो जाते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य पशुवत वृत्ति वाली किरात, हूण, मलेच्छादी जितनी जातियाँ हैं वे सभी पुरुषोत्तम महात्मा के सुन लेने से मोक्ष को प्राप्त करती हैं। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास महात्मा को लिखकर पीताम्बर और अलंकार आदि से विभूषित करके विधिपूर्वक विद्वान ब्राह्मण को दान देते हैं वे अपने 3 कुलों का उद्धार करके दुर्लभ गोलोक में जाते हैं जहाँ गोपांगनाओं से घिरे हुए पुरुषोत्तम भगवान निवास करते हैं। जो व्यक्ति श्रेष्ठ महात्मा को लिखकर अपने घरों में रखते हैं उनके भवन में समस्त तीर्थ निरंतर निवास करते रहते हैं। अनंत पुण्य को देने वाले महीनों में श्रेष्ठ श्री पुरुषोत्तम मास महात्मा को सुनकर समस्त ऋषि लोग बहुत विस्मित हो गए और विश्वक्सेन भगवान श्री कृष्ण की चरण सेवा विधि में अत्यंत कुशल मुनिवरों ने विनयपूर्वक सूत जी के पुत्र से कहा। ऋषि लोग बोले, हे सूत जी, हे महाभाग्यशाली, हे महान बुद्धि के भंडार, आप धन्य हैं। आपके मुख से अमृत पान कर हम सब भी अत्यंत कृतकृत्य हो गए। हे सूची, हे पुराण प्रवचनकर्ताओं में अग्रगण्य, आप सदा चिरंजीवी रहें और आपकी शाश्वत कीर्ति विश्व में पवित्र करने वाली महामना मनुभावों को भी पवित्र करने वाली हो। आपके मुख कमल से निकले हुए भगवान मुकुंद श्री कृष्ण के प्रवचन रूपी अमृत के पान करने में व्यग्र नैमिषारण्य तीर्थ में विराजमान बड़े बड़े मुनिराजों ने आपको अत्यंत पूज्यतम ब्रह्मासन दिया। इसलिए जब तक भगवान बिस्तर सर्वा श्री कृष्ण की पवित्र कीर्ति विश्व में फैलती रहे तब तक आप इस धरा धाम पर मुनिवरों के समाज में श्री हरि भगवान की रमणीय कथा को कहते रहें। इस प्रकार ब्राह्मणों के आशीर्वाद अभिनंदन को स्वीकार कर समस्त विद्वज्जनों की प्रदक्षिणा कर पुनः नमस्कार कर सूत तनय अपना कृत्य करने के लिए देव नदी गंगा जी की ओर चलेगी। तब नैमिषारण्य तीर्थ के निवासी समस्त महात्मागण आपस में कहने लगे कि प्राचीन श्री पुरुषोत्तम मास का यह सर्वश्रेष्ठ और दिव्य महात्म अभीष्ट मनोरथों की पूर्ति करने में वस्तुतः कर्तृवृक्ष ही है। इस प्रकार ब्रह्मनारद पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास महात्म में वर्णित श्री नारायण नारद संवाद के प्रसंग में पुरुषोत्तम मास महात्म के श्रवण फल कथन नामक 31वां अध्याय तत्सत। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की, विष्णु भगवान की।